तो हेलो साथियों, फिर से आपका स्वागत है रिव्यू रिवील के एक नए वीडियो में, जहां पे आप जानेंगे कि आईफोन की एसेसरीज हमें लोकल से खरीदनी चाहिए या फिर जेन्युइन आईफोन के स्टोर से खरीदनी चाहिए। कहने का मतलब है कि आखिर आईफोन की एसेसरीज जो कि नॉर्मली महंगी होती है, क्या हमें उतना महंगा खर्च करना चाहिए उसके नॉर्मल एसेसरीज जैसे कि डाटा केबल और हेडफोन के लिए, या फिर हम लोगों को उसका सेकेंडरी ऑप्शन कोई लोकल मार्केट या फिर किसी अन्य ब्रांडेड कंपनी का आईफोन के लिए डाटा केबल या फिर एसेसरीज खरीद लेनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हेडफोन है जो कि जेन्युइन एप्पल की है, और ये है उसका डाटा केबल जो कि आप देख रहे हैं, दोनों जो है वो दोनों आईफोन की है। तो जानेंगे इसी के बारे में इस वीडियो में, तो देखते रहिए ये वीडियो कम्प्लीटली ताकि आप इसके बारे में अच्छे से जान सकें। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास, आप इस साइकिल के सामने देखिए तो साइकिल के पास दो प्रोडक्ट रखे हुए हैं। पहला है आईफोन कंपनी का लाइटनिंग टू यूएसबी केबल जो कि 1 मीटर लंबी है, और दूसरा है आपका आईफोन का ही हेडफोन जो कि उसकी ओरिजिनल जेन्युइन प्रोडक्ट है। अब जैसे यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आखिर इतना महंगा जो कि आईफोन्स की बनाई हुई कंपनी के द्वारा मिलता है हमें, क्या हमें वो खरीदना सही रहेगा या फिर हम उसके सेकेंडरी ऑप्शन किसी अन्य ब्रांडेड कंपनियां जो कि इसके लिए भी बनाती हैं, आईफोन्स के लिए भी बनाती हैं अपने प्रोडक्ट जैसे कि लाइटनिंग टू यूएसबी केबल और उसके हेडफोन, खरीदनी चाहिए या नहीं। तो बात करते हैं अभी इसी के बारे में। तो पहले मैं दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट उठाता हूं। चलिए मैं फॉर एग्जांपल उठाता हूं ये जो केबल है इसका, लाइटनिंग टू यूएसबी केबल। पहले इसकी मैं अनबॉक्सिंग कर दूं, तो आप देख रहे होंगे यहां पे साफ यहां पे दिख रहा है आईफोन का लोगो बना है, साथ में लिखा लाइटनिंग टू यूएसबी केबल 1 मीटर। इसकी बैक साइड को देखेंगे आप तो इसके बारे में भी आपको साफ दिख रहा है कि आखिर ये जो केबल है इसकी मतलब कहने का मतलब है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कब की है, इसकी प्राइस कितनी है, और ये कहां कहां से होते हुए हमारे इंडिया में हमारे हाथ में पहुंचा है। आप सबसे पहले यहां देख लीजिए इसकी मंथ ऑफ जो मैन्युफैक्चरिंग ईयर है वो है अगस्त 2019, और इसकी जो रिटेल प्राइस है वो है 1,700 रुपये। और आप याद रखिए इससे कम रेट पर आपको तो वैसे भी आईफोन वाले देने से रहें, यानी कि आपको इतने रुपये खर्च करने पड़ेंगे सिर्फ 1 मीटर इस डाटा केबल के लिए, जिसका इस्तेमाल आप अपने फ़ोन को चार्ज करने के साथ साथ अपने पीसी से कनेक्ट करने के लिए भी करते हैं। तो चलिए मैं इसकी अभी अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको इसके लॉकिंग पार्ट को हटाना है, और अंदर में देखिए सिर्फ हमको देखने को मिलता है दो चीज़। पहला है जो 1 मीटर का जो लाइटनिंग यूएसबी केबल है वो, और एक छोटा सा पेपर वर्क है। तो इसे पढ़े ना पढ़े, वैसे भी मैक्सिमम लोग पढ़ते नहीं हैं, तो इसको मैं इसके साथ हटा देता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है इसका। अब ये जो देखिए आप, ये है इसका जेन्युइन आईफोन का ही वो लाइटनिंग केबल। आप इसकी बिल्ड क्वालिटी को महसूस कर सकते हैं, इसके लिए तो खैर आपको अपने हाथों से इसे महसूस करना होगा, ऐसे बता पाना तो थोड़ा मुश्किल है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ा सा सुपर्ब होती है जो कि आपको लोकल्स में देखने को नहीं मिलते। लोकल वाले मैंने पहले भी ट्राई किया हुआ है, लेकिन उसमें होता क्या है कि आप कितना भी कोशिश कर लें, मतलब आपको इस तरह की कंपटीटर के ब्रांड आपको देखने को नहीं मिलेगी, मतलब इस तरह का प्रोडक्ट आपको देखने को नहीं मिलता लोकल मार्केट में। अब जैसे कि मैं ये जो पोर्ट है जो कि आप अपने फ़ोन से इसमें फ़ोन को इसमें लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो ये हम मैंने देखा है लोकल वाले हमेशा यहाँ से टूट जाते हैं, या फिर ये जो जैक है वो इसकी जो है वो बार बार स्किप हो जाती है। तो उस केस में होता क्या है कि आपको बार बार डाटा केबल खरीदना पड़ेगा, जो कि आपको लोकल का लाइफ मान लेते हैं 3 महीना से 6 महीना तक जाती है, लेकिन ये जो कनेक्टर है ना ये पूरे आपको 1 साल के, आप मतलब आप जब तक अपना आईफोन रखेंगे तब तक ये काम करती है। कभी कभी होता क्या है कि सिर्फ इन दोनों जगहों से ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ब्रेक होता है, लेकिन आप यदि इसमें अपना कुछ सॉल्यूशन कुछ दिमाग मतलब इंडियन जुगाड़ लगा लेते हैं तो ये आपको हमेशा ज़िंदगी भर साथ देगी जब तक आपके हाथ में आईफोन है। तो मेरे ख्याल से 1700 रुपये इसके लिए खर्च करना थोड़ा महंगा है, लेकिन यदि बात करेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी की और इसकी मटेरियल की तो थोड़ा सा चार्ज महंगा है। मेरे ख्याल से ये यदि 1000 रुपये तक होती तो ज़्यादा वर्थ था, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, लेकिन है तो ओरिजिनली, एक विश्वास इसके साथ जमा हुआ है, और ये थोड़ा स्पीड काम भी करती है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, अभी मैं ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो आईफोन के ही कैमरे से कर रहा हूँ, तो चूंकि आप यहाँ देख रहे हैं मेरे पास एक और प्रोडक्ट है, वो है एक वायरलेस चार्जर जो कि Xiaomi की कंपनी का है, और इसमें एक और फंक्शन है कि आप ये जो पावर बैंक है ये 10,000 mAh की है, ये जो आप इसमें एक डाटा केबल लगा हुआ देख रहे हैं ये भी आईफोन का ही है जो कि मेरे फ़ोन को अभी चार्ज कर रही है। तो मेरे पास दो दो हैं जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास। तो अब जैसे होता क्या ना, ये जो वायरलेस चार्जर है ये
फास्ट वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है, तो ये उसके साथ भी ये वायरलेस चार्जर काम कर रहा है। अब बात करते हैं कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि क्या आपको सच में लोकल की तरफ नहीं देखना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। अब चूंकि आपने जब आईफोन में पैसे लगाए हैं, यानी कि आपने जब अपने 70-80 हज़ार रुपया मिनिमम आईफोन के प्राइसिंग है तो आपने उसमें खर्च किए हैं, तो मेरे ख्याल से आपको इसकी जेन्युइन प्रोडक्ट में खर्च करने के लिए आपको ज़्यादा इशू होगा नहीं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप एक बार में इसकी जेन्युइन प्रोडक्ट को ही खरीदें, चाहे वो डाटा केबल हो या फिर कुछ और हो। तो आप आँख बंद करके जेन्युइन के साथ ही जाइए, लोकल का कोई भी ब्रांड हो, चाहे वो आपको बड़ी से बड़ी ब्रांड भी आपके आईफोन के लिए बना के दे, उसे ना ही खरीदे तो बेहतर होगा। तो दोस्तों ये था आपका डाटा केबल का वीडियो। यदि आप इसके पार्ट टू में इसके वीडियो को देखना चाहते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग और इसकी डिटेल रिव्यू, तो बस हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में हेडफोन की वीडियो हमें चाहिए ऐसा लिख करके आप हमें सेंड कर सकते हैं। तो यदि इस तरह की वीडियो मेरे पास आती है, मतलब आपके कमेंट आते हैं, तो मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, डिटेल्ड वीडियो, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी, जैसा कि ये डाटा केबल का वीडियो मैंने बनाया है आपके लिए। तो फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट नए वीडियो में, बस देखते रहिए हमारा चैनल रिव्यू रिवील्ड। यदि अभी तक आपने हमारे सब्सक्राइब के बटन को नहीं दबाया तो इसे भी दबा लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे।